अपने फील्ड में आपके कौन गुरु रहे हैं आप बता सकते हैं? ऐसे देखिए, मैंने जिसने भी अच्छा बोला वो मेरा गुरु बन गया। अब जैसे जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में था तो वहाँ एक शास्त्री जी होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनका इंतकाल हो गया बहुत पहले, वो मेरे गुरु होते थे, जो मुझे टोकते थे, सिखाते नहीं थे कि बेटा तुम बोलो फिर मैं बताऊंगा। तो क्या होता था कि आपका 90% कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता था, क्योंकि आप खुद बहुत कॉन्शियस हो जाते थे कि मैंने सही बोलना। ओके, ठीक है। और फिर जो 10% गलतियां होती थी तो उसमें कहते थे कि बेटा आपने ये मुझे लगता गलत बोला, तो आप इसे सही कर लीजिए। तो आप कभी भी गलत नहीं होते थे। फिर आप सुनते थे, जरूरी नहीं कि आपकी मुलाकात हुई हो, पर आपको लगा कि साहब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ देवकीनंदन पांडे साहब ही बेहतरीन बोलते हैं, या मेलविल डिमेलो सबसे अच्छा बोलते हैं, या रोशन सेठ बोलते हैं, है ना, या ब्रिजभूषण बोल रहे हैं, अमीन सियानी साहब बोल रहे हैं। एक्साइटमेंट के अंदर क्या अच्छा बोलते थे अमीन सियानी, अभी भी बोलते हैं माशाल्लाह, खुदा उनकी उम्र लंबी करे। तो वो जो थे ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद भी गुरुओं की मार खाई होगी सीखने के लिए। ठीक कैसे करते थे कि एक मर्तबा मुझसे मरणोपरांत की जगह पोस्टमस इंग्लिश में जिसे कहते हैं वो प्रांत हो गया, वो उपरांत से मरने के उपरांत, तो मरणोपरांत होना चाहिए, मैंने प्रांत बोल दिया, जैसे प्राप्त वाला प्र लगा जी, ठीक है। तो ने कहा नहीं बेटा, प्रांत रीजन होता है और परांत उपरांत से बना, तो आप कभी नहीं भूलेंगे जी जी, हाँ हाँ, है ना, डेफिनेटली। सो लाइक इन इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए होती है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल यू नो लाइक दे फॉलो अमेरिकन इंग्लिश, कोई कोई कैम्ब्रिज की इंग्लिश समझ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड की समझ रहा है ना, तो ये बड़ा, मैं इसलिए अंग्रेजी पे कभी डिबेट नहीं करता, ओके, है ना, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जी जी, है ना। तो ये बस बेसिकली, हाँ, सीखना आज के युग में भी, अब ये कभी मत मानिए कि आपका गुरु आपसे दूर हो गया, मुझे लगता आप आएंगी, हो सकता मुझे कुछ सिखा के चली जाए, हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई गुरु मिलेगा, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना ग्रहण करते हैं, आप उसे कितना संभालते हैं। गुरु थे शास्त्री जी, वो कहीं ना कहीं बारीकियों को समझाते रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीजें सिखाई कि बेटा दो तीन चीजों का ख्याल रखो कि अपनी बेसिक कंटेंट को, जो आपका बेसिक विषय है, उसको समझो पहले। जब आप समझ जाएंगे तो आपका उतार चढ़ाव, आपकी मॉड्यूलेशन, आपकी आर्टिकुलेशन, वो बढ़िया हो जाएगी लाइफ में। और जिंदगी में जहां तक मॉड्यूलेशन की बात है, वो आपकी दादी नानी भुआ चाचा चाची नौकर सब जानते हैं उसको। हमने कहा ये कैसे जानते हैं, बोले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपके घर में एक नौकर है, आपने आवाज दी, आपने कौन से पिच पे आवाज दी, छोटू एक चाय लाना, यार ये कैसी चाय बनाई है, ले जाए इसे, तो आपने 5 सेकंड में 4 मॉड्यूलेशंस दे दी, विच इज नेचुरल। यस यस, इन्हीं मॉड्यूलेशंस का अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल करेंगे, देन यू आर अ वॉइसर, राइट, ओके। सो ये बारीकियां समझ आई। उसके बाद कि आप अखबार पढ़िए, और फिर क्लिपिंग्स उन्होंने सिखाई हमको। क्लिपिंग्स क्या होती है कि मैंने कहा कि आपका नाम दीपावली है जी, तो जब तक मेरा ली क्लियर नहीं होगा तब तक मैं वॉइसर नहीं हूं, या मैं आपसे बात कर रहा हूं और अगर आपने मुझे कहा कम अगेन, पार्डन, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं मार खा रहा हूं अपने कम्युनिकेशन में, मेरा संवाद कौशल जो है वो अभी दुरुस्त नहीं है, 100% नहीं है। सो ये तमाम चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने भाषण कहा तो ना पूरा सुनाई देना चाहिए, कि अगर जगजीत सिंह गजल गा रहे हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो रद पूरा सुनाई देना चाहिए जी। सो ये छोटी छोटी चीजें एक साल में उन्होंने बताई कि ब्रॉडकास्टिंग के बेसिक, माइक्रोफोन क्या है, आपकी शब्दावली, आपकी वोकैबुलरी क्या है, आप भाषा में कितने प्रवीण हैं, आप कितने फैमिलियर हैं विद द वर्ड्स और द लैंग्वेज, दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। लेकिन ये ट्रेनिंग का हिस्सा बन गया मेरा, जो मुझे लगता है जब आप मेरे इसी प्रोग्राम को नष्ट करेंगे तो बच्चों के भी काम आएगा जी, मैं इसलिए आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें शुरू हुई, और उसमें फिर उन्होंने कहा कि भाषा कोई भी हो, जो बेसिक नुएंसेस होते हैं, जो टेक्निक होती है माइक्रोफोन से दोस्ती करने की, वो हर भाषा की सेम होती है
जी। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे जवानी में लोग ये सोचते हैं कि शमी नारंग हम आपकी तरह वॉइस नहीं ला सकते, तो क्या हम ब्रॉडकास्टर नहीं बन सकते? तो मुझे लगता है कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमेशा मिसाल देता हूँ कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास मेरी जैसी आवाज होनी चाहिए। अगर आप अपनी भाषा में उतार चढ़ाव लाकर यू कैन क्रिएट दैट मैग्नेटिज्म, उसमें एक आकर्षण पैदा कर सकते हो और सामने वाला और सामने वाली इज ग्लूड टू हर और हिज चेयर, इट मींस यू आर विनिंग द वॉर। यस राइट, ठीक है ना। तो आपको इन चीजों के लिए क्या करना है कि आपको ये मान के चलना है कि अब मेरी आवाज छोड़ी, क्या मेरा जो स्टाइल है, मेरा जो अंदाज है, जो शब्दों के साथ मैं खेल रहा हूँ, उसमें मैं पकड़ पा रहा हूँ नहीं पकड़ पा रहा, ओके, मैं आपको अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, तो वोकैबुलरी, एब्सोल्यूट वोकैबुलरी एंड इवन योर स्टाइल आल्सो। उसका सबसे बड़ा बेटा एग्जांपल है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तीन महान नायक है जी, द खान्स, नो नॉट द खान्स, मैं वॉइस की बात कर रहा हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, सुरेश ओबेरॉय एंड रजा मुराद, फैंटास्टिक वॉइसेस। बट यू मस्ट हैव नोटिस्ड व्हाई एवरी टाइम अमिताभ स्टील्स द शो, यू नो व्हाई, बिकॉज वो शब्दों के जो अपने शब्दों के साथ खेलते हैं और उनका जो उतार चढ़ाव होता है, जो वो शब्दावली का वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं, वो कनेक्ट बनाते हैं आपके साथ। उनको मालूम है कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर साइलेंस लगानी है, कहाँ पर तेज हो जाना है, और उनको मालूम है कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल किस ढंग से करूं कि वो क्लियर ही बना रहे, उसकी शुद्धता कायम रहे। तो ये उनको संस्कारों से मिला, क्योंकि उनके फादर पोएट थे जी, हाँ। जाहिर है कि घर में साफ और नफीस बात होती होगी, या दैट्स एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो अमिताभ बच्चन को खुदा ने आवाज तो बख्शी, उसे तो नवाजा ही उनको, प्लस उनको उस आवाज का इस्तेमाल करना भी आया। दैट्स व्हाई टुडे वेदर ही इज एन एक्टर और अ ब्रॉडकास्टर और एन एंकर, वो किसी भी चीज में चले जाएं, उनकी कन्विक्शन ऐसी होती है कि वो झूठ भी बोले तो सच लगता है।